हेलो वन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे कहते हैं अली अजर प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स के साथ स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से नाजरन, मैं लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरन, अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो उसके शेड्यूल के जो ऐलान है, मोस्ट प्रॉबली कुछ बातें हो रही थी कि शायद इस वीक में हो जाए, लेकिन अभी वेन्यू का क्या बनेगा, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, इंडिया पाकिस्तान आना नहीं चाहता और दीगर बातें इस पर भी हो रही हैं, तो लेट्स सी कि अभी इसके क्या किस पॉइंट पर हम पहुँचते हैं। पाकिस्तान का इंटेंट है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाई जाए, और जबकि अगर इंडिया की बात करें वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते, तो देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ हसल एंड बसल्स आर गोइंग। सो लेट्स सी पाकिस्तान क्या डिसीजन लेता है और इंडिया जो है वो किस हद तक कामयाब होता है हाइब्रिड मॉडल करवाने में। और अगर मोहम्मद यूसुफ की बात करें तो उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं किया गया, और आकिब जावेद को जो है अगर उसकी बात करें वाइट बॉल हेड कोचिंग की जो है ऑफर की गई थी, जो उन्होंने कबूल कर लिए और वाइट बॉल की हेड कोचिंग करेंगे अब आकिब जावेद। तो लेट्स सी ये डिसीजन पीसीबी का कितना कामयाब होता है और कितना बेहतर रहता है, और दीगर अपडेट्स भी आपको बताते रहेंगे साथ साथ। हमें यया खलीक जमान साहब ने ज्वाइन किया है, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है, और ये सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। यू वेलकम सर। अच्छा सर, ये बताइए सबसे पहले कि आपके सामने है सारी चीजें, शेड्यूल का जो ऐलान होना है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, कुछ बातें सामने आ रही थी कि शायद 6-7 दिनों में शेड्यूल का ऐलान होगा, अभी तक क्योंकि अब नवंबर आ गया है, फरवरी में जो है टूर्नामेंट है, तो तकरीबन 3 से 4 महीने पहले शेड्यूल का ऐलान करना लाजम मलजूम होता है, तो अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, तो क्या बनेगा, पाकिस्तान में होगा हाइब्रिड मॉडल जाएगा या फिर पाकिस्तान बायकॉट कर देगा, फॉरफिट कर देगा इंडिया का मैच, क्या बनने वाला है? देखिए अली, सबसे पहले जानू मैं ये बता दूं कि कल अगर आपने गौर किया हो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो मोहसिन नकवी साहब ने किया, बताओ चेयरमैन किसी भी, उसमें ना कुछ बातें बड़ी कैटेगोरिकल थी। एक तो ये उनका जो लहजा रहता है ना हमेशा, वो बड़ा स्वीट रहता है, बड़ा मीठा रहता है, और वो दो टोक बात करते हैं। तो साथियों ने 2-4 ने बड़े सवाल किए कि सर बताएं इंडिया आ रहा नहीं आ रहा। उसने कहा अच्छी उम्मीद रखिए, इंडिया आ रहा है और मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और हाइब्रिड मॉडल की अगर आप बात करते हैं तो अभी दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, और उन्होंने इस तरह की बात भी की है कि यही होगा और इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। इट मीन्स कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वो अपने स्टांस पर वहां पर खड़ा हुआ है। लेकिन एक खबर जो कुछ रोज पहले आई, यकीनी तौर पर कुछ जो हमारे साथी दोस्त हैं जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, उन्होंने ये खबर दी कि शायद ऐसी कोई ऑप्शन दी जा रही है कि इंडिया एक मैच अपना जो पाकिस्तान के साथ है वो यहाँ पर कजाकिस्तान में खेल ले, और उसके बाद वो दुबई चला जाए, बाकी मैचेस वहां पर खेल ले, और फिर जो जो भी बनेगी उनकी क्वालिफिकेशन थ्रू सेमीफाइनल्स, अगर वो सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो सेमीफाइनल्स भी वहां पर खेल ले दुबई में, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ हाइब्रिड, और अगर फाइनल में चली जाती है इंडिया की टीम तो फिर फाइनल उसको खेलने के लिए कदाफी स्टेडियम में आना पड़ेगा। एक प्रपोज्ड प्लान, हाँ ये प्रपोज्ड प्लान था जो अभी अब इसको तो बड़ा डिनाई किया मोहसिन नकवी साहब ने, क्योंकि कल उसी साथी ने सवाल भी किया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल हम हमारा जो मेन टारगेट है जो हमें आईसीसी की जानिब से मिला हुआ है कंस्ट्रक्शन का स्टेडियम्स की, हम उस पर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला उन्होंने कहा कि ये जो बिफोर टाइम जो हमारी डेडलाइन है हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ उन्होंने बताया कि ब्रीफिंग भी दी जो 7 वहां पर रिपोर्टर्स थे, उनको बता रहे थे कि यहाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे काम था, 2 महीने पहले क्या था और 1 महीने पहले क्या था, और आज देखें कि कितनी तेजी से ये काम जारी है। एफडब्ल्यू की उन्होंने तारीफ भी की कि वो जिस जहां पेशानी से वहां पर काम कर रहे हैं। सो पाकिस्तान की तैयारियों में तो कोई कमी नहीं आ रही है, तो लिहाजा जो कल उनकी बॉडी लैंग्वेज थी मोहसिन नकवी साहब की, वो यही बता रही थी कि देर इज नो सेकेंड ऑप्शन, और जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान की हो रही है, और अभी तक हाइब्रिड मॉडल की ना तो कोई बात हुई है और ना ही कोई ऐसी कोई कम्युनिकेशन हुई है, रिटन कम्युनिकेशन। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने कि देखें हमने इंडिया ने उसको आईसीसी को ईमेल किया तो हमने भी आईसीसी से जवाब मांग लिया, अब जो हमने सवाल उठाए हैं उसका जवाब अभी तक आईसीसी की जानिब से इस लम्हे तक नहीं आया है, तो जब तक वो जवाब नहीं आ सकता हम आपसे मजीद बात नहीं कर सकते हैं, जवाब आएगा तो देखेंगे फिर हमने क्या करना है। ये कल की नहीं, तो इंडिया ने जो एक पाकिस्तान ने ये भी डिमांड की थी कि रिटर्न में कुछ हमें लिख के दें, क्योंकि आपको पता है इंडिया सिक्योरिटी इशू तो नहीं बन सकता, क्योंकि
इंडिया यही टैक्टिक्स अपना सकता है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है या इस तरह कुछ है, तो सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आ गया, न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान आ गया, इंग्लैंड भी पाकिस्तान आ गया, तो बाकी बड़ी बड़ी टीम्स जो सारी वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, सारी टीम्स पाकिस्तान आई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई सिक्योरिटी का कंसर्न बनता है तो इंडिया को रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो आपके समझते हैं क्या रीजन वो देंगे, क्या रीजन हो सकता है कि वो कहें कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे? ओके नाजिन, देखें अली, इंडिया का सिर्फ एक हमेशा से नुक्ता रहा है और वो रहा है सिक्योरिटी का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो जो सिक्योरिटी के जहां तक मिसाइल रहते हैं ना, अब वो वही नुक्ता उठाएंगे। अभी तक उन्होंने कोई नुक्ता नहीं बताया, आईसीसी को जो ईमेल की गई है उसमें कोई नुक्ता नहीं बताया, उसमें साथ ही कहा गया कि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, ये जो हमारे तक अब तो हमने देखा नहीं है, क्योंकि वो बड़ी एक कॉन्फिडेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है बोर्ड्स के दरमियान, तो वो अभी उन्होंने आपस में की है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने उस इनकार पर जवाब मांगा है, और इसकी कल चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी बात की है कि जनाब हमें बताइए आपकी जो इनकार किया है भारत ने उसकी वजह क्या है, बगैर वजह के हम किसी इनकार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप पहले वजह बताएंगे कि ये वजह है, फिर हम उसमें अपना रिबर्टल पेश करेंगे, तो जो कम्युनिकेशन है वो होगी। और यहाँ पर एक चीज जो मैं ऐड करता चलूं, आईसीसी के हवाले से कहा मोहसिन नकवी साहब ने कि यहाँ पर आईसीसी को भी अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी पड़ेगी कि आईसीसी एक क्रिकेट की बॉडी है जिसके सारे मेंबर्स उसके लिए इक्वल होने चाहिए। क्योंकि सवाल ये हुआ था ना कि कहीं भारत का आईसीसी का टिंट है भारत की जानिब, तो उस पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आईसीसी को भी अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी पड़ेगी और उसको ये बताना पड़ेगा कि वो अनबायस्ड है, वो मुतासिब नहीं है और वो फैसला मेरिट की बुनियाद पर कर देगा। सो अब जवाब आने की देरी है, जब जवाब आएगा आईसीसी का थ्रू इंडिया कि वो क्या तौजीह पेश करते हैं ना नहीं कि, उसके बाद फिर मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम कोई अपना नेक्स्ट जो लायहा अमल है उस पर बात करेंगे और कौम को, हम जो आवाम है उनको कम्युनिकेट भी करेंगे। ठीक है, और आगे अगर चलें, क्योंकि कुछ इस तरह की भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है 4 फीट कर दे, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया जो है जिद उड़ा लेता है कि हाइब्रिड मॉडल ही करवाना है और समहाउ इसमें कामयाब हो जाता है, तो कुछ ऐसी भी बात हो रही थी कि इंडिया का मैच जो है पाकिस्तान जो है 4 फीट कर दे, तो अगर 4 फीट करता है तो नुकसान किसको होगा? देखिए अली, सबसे पहले तो आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट होता है ना, उसमें 2 मैचेस बल्कि 3 मैचेस मैं समझता हूँ सबसे बड़े होते हैं। नंबर 3 पे जो बड़ा मैच होता है वो होता है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का। नंबर 2 जो मैच होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का। और नंबर 1 जो मैच होता है वो होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ये राइवल समझे जाते हैं ना ज्यादातर। तो जो मोस्ट रेवेन्यू जनरेटेड मैच है वो इंडिया पाकिस्तान का होता है। सो अब यहाँ पर आईसीसी इन्वॉल्व है, जी हाँ, और यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके भी स्टेक्स हैं, तो अल्टीमेटली भाई मैच तो होगा। ठीक है, अब मैच कहां पर होगा? असल लड़ाई इस बात की है ना कि भारत कहते हैं हम दुबई में खेलना चाहते हैं या किसी और मुल्क में खेलना चाहते हैं, और पाकिस्तान कहते हैं जी हम यहां पर खेलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि और किसी मैच पर इतनी बहस नहीं होगी, इतनी बहस इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के ऊपर होगी और ये मैच होना लाजमी है। अच्छा, 4 फीट का आपने सवाल किया ना, बड़ा रेलिवेंट सवाल है आपके सवाले से, क्योंकि कल भी ये सवाल हुआ था उनसे और पूछा गया कि अगर इंडिया नहीं आती है तो फिर जो प्लान बी है, जो सेकंड टीम है, वो कौन सी हो सकती है? तो उन्होंने ये बात बड़ी मजेदार कही, उन्होंने कहा जी कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आप अच्छे की उम्मीद रखें, टीम इंडिया की ही आएगी और इंशाल्लाह ताला कोई नई टीम अमेंड नहीं कर रही, वही टीम ही आएगी। तो ये बात ऑलरेडी कम्युनिकेटेड भी है और ये बात ऑलरेडी उनके माइंड में भी है, इस पर बहस चल रही है, जो बातें भी हो रही है। अच्छा, चीज ऑलरेडी खुलते हैं इसमें, थोड़ा सा ये बताइए कि पाकिस्तान वेंट टू इंडिया इन 2023 जब अक्टूबर में वर्ल्ड कप हुआ, तो पाकिस्तान इसी बेस पे गया था क्योंकि इंडिया उस टाइम उसकी इंडियन के सहाफ़ी जो अभी इंडियन सहाफ़ी भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है इंडिया जो है पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान इंडिया खेलने आ जाए वर्ल्ड कप, तो इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ जाएगा। तो अब जो है सिनेरियो इस तरह हो गया है कि पाकिस्तान इंडिया जो इनकार कर रहा है पाकिस्तान आने से, तो ये जो है ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम तो हमेशा जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं,
तो इंडिया तो बिल्कुल ही जिस तरह एक इमेच्योर बात होती है उस तरह कर रहा है, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान एज अ नेशन, पाकिस्तान बिलेटरल टाइज ना होने के बावजूद हम पाकिस्तान से अगर इंडिया जा सकते हैं एज अ पाकिस्तानी, तो अगर इंडियंस की बात करें तो उनको भी आना चाहिए था, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। तो फिर अगर अब पाकिस्तान नहीं आता इंडिया, तो फिर हमें भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे 2026 का एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है T20, तो फिर हमें भी नहीं जाना चाहिए, स्टांस लेना चाहिए कि वी आर नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इंडिया इन एनी टूर्नामेंट मेगा इवेंट। देखिए नहीं, बात यह है कि जब एशिया कप में बात हुई थी ना, तो खबरें यही आई थी कि शायद कोई गारंटी दी गई है कि अगर पाकिस्तान जाता है इंडिया खेलने के लिए, क्योंकि देखें सिक्योरिटी के मसाइल तो वहां भी होते हैं ना, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां पर बल्कि ज्यादा है, अगर हम जो मौजूदा हुकूमत है वहां पर भारत की, वहां पर तो मसाइल पाकिस्तान के लिए ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया के लिए यहाँ पर मसाइल होना, ये दो बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान वहां गया और पाकिस्तान ने वहां पर जाकर उनकी तारीफ भी की कि जो आपने हमें प्रोटोकॉल दिया है, जो लोगों ने हमें मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, वो दैट इज आई मीन अनमैचेबल, यू नो लोग प्यार करते हैं। अच्छा, अवाम को फर्क नहीं पड़ता है, अवाम खेलना चाहते हैं, अवाम देखना चाहते हैं, यहाँ पर हुकूमतों ये टॉप टीयर के मसाइल होते हैं। सो अब इंडिया पाकिस्तान जा चुका है और दूसरी बार भी हाथ बढ़ा चुका है, पहला हाथ बढ़ाया था 2012 में, अब फिर हाथ बढ़ाया है 11 साल के बाद 2023 के वर्ल्ड कप में। अब इंडिया की बारी है कि वो एक स्टेप आगे आता है 2025 में हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। तो पाकिस्तान ने जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है और एशिया कप भी भारत में है, अभी तक यही खबरें हैं, तो दो इवेंट्स हैं भारत में जिनमें पाकिस्तान को शिरकत करने आए। तो अगर ऐसा होता है कि भारत यहां पर नहीं आता है खेलने के लिए, तो फिर पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हाँ जी हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक चीज मैं फिर अगेन मोहसिन नकवी को कोट कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम जितनी बातें कर रहे हैं ना, वो कल उन्होंने बड़ी इस पर मुफसल गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा था कि जब सवाल हुआ ना, ये लोग साफी पे सवाल भी करते हैं कि जी पाकिस्तान की जो डिग्निटी है, पाकिस्तान का जो वकार है, वो ज्यादा बेहतर है कि रेवेन्यू बेहतर है या मैचेस बेहतर है। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। तो ये बड़े बड़े बारीक तकाम होते हैं। आपको यहां मैं याद दिलाता चलूं नाजरीन को भी कि मोहसिन नकवी सिर्फ चेयरमैन PCB नहीं है, वो वजीर दाखिला भी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वजारत होती है। तो ये जितने भी मामला है ना सिक्योरिटी के और इधर उधर के दाखिली खारजी मामला, ये उनका होल्ड है इसके ऊपर। सो उनके मुंह से ऐसी कही हुई बात बहुत माली खेद है, लिहाजा उन जो भी बयान देते हैं वो बड़ा एक तो कैलकुलेटेड होता है और वो जो बात करते हैं उसके पीछे बड़ी ठोस वजह होती है। सो एक तो वजारत उनके पास सबसे बड़ी है और ये ओहदा उनके पास एक बहुत बड़ा है। सो मेरा ख्याल है ये खुशकिस्मती भी है कि दोनों जो मेन चीजें हैं, ऐसा होता है ना कि एक बंदा एक पेज पर होता है, एक बंदा दूसरे पेज पर होता है। सो जो दोनों मेन काम है बतौर चेयरमैन PCB भी और बतौर वजीर दाखिला भी, वो दोनों एक ही बंदे के हाथ में है और मजबूती की अलामत है ये। ठीक है, और पाकिस्तान आपको पता है स्टांस है, पाकिस्तान आपको पता है स्टांस ले रहा है, यही पर होनी है, पाकिस्तान स्टांस ले रहा है कि हमने जो है पाकिस्तान में ही करवाना है चैंपियंस ट्रॉफी, और हम वी आर नॉट आउटसाइडर्स और हमने बाहर नहीं जाना, पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी लानी है। क्योंकि मोहसिन नकवी का भी आपको पता है स्टेटमेंट इसके ऊपर बड़ा सख्त है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ही करवाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है अपना मुकदमा जो है वो ICC के हाँ जीत जाएगा समहाउ, के इंडिया अपने घुटने टेकने पे मजबूर हो सकता है कि पाकिस्तान जो है अपना मुकदमा जीत जाए ICC के सामने? यस साहब, आर यू लिस्निंग टू मी? अच्छा नाजरीन, मेरा ख्याल कनेक्शन का थोड़ा सा इशू है, यस साहब को मेरी आवाज जो है उस तरीके से नहीं जा पा रही। तो नाजरीन अगर बात करें हम, देखिए नहीं, एक चीज बड़ी क्लियर है यहाँ पर कि जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप बोलिए सर, कंटिन्यू करें आप। अच्छा, एक चीज यहाँ पर अली बड़ी क्लियर है, वो ये कि अच्छा ठीक है जी, कनेक्शन
डिवाइड हो गया। अच्छा मैं गेस कर रहा था कि पाकिस्तान को जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो मिली है ना, ये मेजबानी, ये खुदा ना खासा लीग में नहीं मिली है, ठीक है, ये पाकिस्तान का हक था जो पाकिस्तान को मिला है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई भी आएगा और यहां से उठाकर इसको यहां पर रख देगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान एक आप कह लें परमानेंट मेंबर है आईसीसी का, और उसके पूरे स्टेक्स हैं इस टूर्नामेंट को लेकर। एक तो मेजबान है, ऊपर से ब्रॉडकास्टर्स का यहाँ पर बहुत ज्यादा अमल दखल रहता है, ठीक है, और बाकी सारी टीमें भी आने को तैयार हैं। अभी रिसेंटली खबर भी आई है, अगर मैं कुछ घंटे पहले की बात है, कि इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया है। अभी रिसेंटली वो टेस्ट सीरीज खेलकर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया होकर चला गया है, साउथ अफ्रीका होकर चला गया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और जो छोटी जो एसोसिएट टीम्स होती हैं उनका भी कोई मसला नहीं है, अफगानिस्तान का भी कोई मसला नहीं है। बट द थिंग इज कि ये जो टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, ये पाकिस्तान का हक है, ये पाकिस्तान को मिली है, पाकिस्तान ने ली नहीं है, अब कहने कोई कुछ छीनी नहीं है या कोई भीख में खुदा ना खास्ता नहीं मांगी है, ठीक है, ये राइट था पाकिस्तान का जो पाकिस्तान को मिला है, और मेरा ख्याल है कि ये राइट पाकिस्तान को अपने पास रखना चाहिए, और इसके ऊपर जितना आप कह लें कि फर्म स्टांस होना चाहिए उतना अभी अभी है भी, और मेरा ख्याल इसको मजीद आपको फर्म करना चाहिए जो हमारी मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। सो अभी तक तो अच्छे साइंस आ रहे हैं, मुझे अच्छे की उम्मीद है। अच्छा अब जो है हम थोड़ा सा सिनेरियो को और तगड़ा करते हैं। देखिए अब पाकिस्तान इंडिया वाला जो है आपको पता है मुआहदा चल रहा है कि लेट्स सी पाकिस्तान के, इसमें पाकिस्तान का स्टैंड है इंडिया ही आना है, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान ही आए, इंडिया का स्टैंड है कि हमने पाकिस्तान नहीं आना। तो ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान कहे कि बस इंडिया जो है हम इंडिया के बगैर भी खेल लेंगे, और इस सूरत हाल में जो है श्रीलंका जो है इसमें इजाफा हो टीम का, और इंडिया की जगह श्रीलंका आ जाए और टूर्नामेंट में जो है इंडिया की जगह श्रीलंका खेले। इज इट पॉसिबल? देखिए अली, ये वो ये आखिरी पत्ता है, ठीक है, या ये वो शतरंज की आखिरी चाल है, और ये यकीनन ये पाकिस्तान के हाथ में है ये चाल, क्योंकि जो कार्ड्स है ना वो पाकिस्तान के हाथ में है ना, ठीक है ना। तो लिहाजा अब ये पाकिस्तान को फैसला करना है, और इंडिया को इस चीज के बारे में सोचना होगा कि आया कि हम ये करके कोई फैसला ठीक कर रहे हैं या फैसला गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखें अगर इंडिया नहीं ना आता, मिसाल के तौर पर हम एक मफरूजा पेश कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए, इंडिया अगर कोई इसमें कोई वो गलत हरकत करता है, वो नहीं आता या वो इंकारी हो जाता है, तो लॉस तो होगा, ठीक है, इंडिया को भी होगा, पाकिस्तान को भी होगा, आईसीसी को भी होगा, ब्रॉडकास्टर्स को भी होगा, लेकिन वो सिर्फ लॉस होगा एक खास परसेंटेज की हद तक, इट्स नॉट लाइक के बिल्कुल जीरो बटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन से फिर भी ऊपर ही रहेगा ना आईसीसी, लिहाजा ना पाकिस्तान को जो राइट्स के पैसे मिलने हैं वो मिलेंगे, आईसीसी को उसका जो शेयर है जो रेवेन्यू इकट्ठा होना है वो होगा, बाकी टीमों के जो शेयर मिलने हैं वो मिलने हैं। सो लिहाजा एक इंडिया पाकिस्तान के मैच के चक्कर में, या एक इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं अगर खेलना चाहता तो उसके लिए पूरा टूर्नामेंट खराब नहीं होगा। और श्रीलंका तो ऑन द कार्ड्स है, वो तो कभी भी अवेलेबल है, वो तो कभी भी आ सकती है, उनके तो आने का प्रॉब्लम ही नहीं है ना। सो लिहाजा मैंने वही आपसे जब अपने इस कमेंट को स्टार्ट करने से मैंने जब बात की थी कि ये शतरंज की वो आखिरी चाल है, या ये वो हुक्म का इक्का है जो अभी तक छुपा कर रखा होगा पाकिस्तान ने, मोहसिन नकवी ने, और ये वो उस वक्त फेंकेंगे कि जब और कोई चारा बचेगा नहीं है। तो ये बिल्कुल एक लास्ट स्टेप है, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के यहाँ तक जाने की नौबत नहीं आएगी, और मामला तो उससे पहले ही हल हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आप इसी कदापि स्टेडियम में रोहित शर्मा को, ठीक है, विराट कोहली को, शुभमन गिल को, बुमराह को खेलता हुआ देखेंगे। अच्छा यहिया खलीक जुबान साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, तो नाज़रीन इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक।